नमस्ते सभी को, मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु में अपने सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अरोमा वास्तु के बारे में बताती हूँ। बहुत नाम सुना होगा आपने, है ना। सो मैं एक एस्ट्रोलॉजर और मैं हूँ एक वास्तु एक्सपर्ट, मैं हूँ एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी। प्लीज़ मेरी वीडियो को ना आप एंड तक देखिए। मेरी वीडियो बनाने का मोटो ये है सो दैट मैं उन लोगों को हेल्प कर सकूँ जो ये किसी से कंसल्टेंसी नहीं ले सकते या जिनके घर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, एटलीस्ट वो इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर के नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, है ना। और जो मैं आपको बता रही हूँ दिस इज़ यूनिवर्सल, एनी वन कैन डू। कुछ स्पेसिफिक होती हैं वो आपके घर और आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से होते हैं, तो वो हम आपके शेयर नहीं कर सकते, दोज आर स्पेसिफिक एज पर पर्सन टू पर्सन। सो आज मैं आपको बताती हूँ लेमन का एसेंस या लेमन को आप कैसे अपने घर की नेगेटिविटी को और स्पेशली किचन की नेगेटिविटी को कैसे आप दूर कर सकते हैं। लेमन सबके घरों में होता है, लेमन का एसेंस भी सबको पता है क्या होता है ना। सो आपने सुना होगा कि कहते हैं कि रात को जब आप खाना खाओ तो उसके जो झूठे बर्तन होते हैं वो आप किचन में मत रखो, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलती है ना घर में, खर्चे, बीमारियाँ, है ना, लक्ष्मी जी नहीं आती। सुना है ना आपने, पुराने जो लोग होते थे वो रात को बर्तन धो के सोते थे। अब आजकल का टाइम तो चेंज हो गया है, नो वन वॉन्ट्स टू डू मैनी थिंग्स, सबका बिजी शेड्यूल भी है, सब बिजी भी है ना, तो क्या क्या कोई एक जना कर सकता है। सो इसमें मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताती हूँ। वैसे तो वास्तु में हम कहते हैं कि आप अगर रात को झूठे बर्तन नहीं धो सकते तो आप एक बड़ा सा बॉक्स ले लो, उसके अंदर वो जो झूठे बर्तन है उन्हें पानी से एटलीस्ट निकाल के उस डब्बे के अंदर बंद कर दो। नंबर टू, उस डब्बे के अंदर बंद करने से पहले आपको ना एक लीटर पानी में कम से कम 6-7 नींबू का रस मिलाना है या 3-4 ड्रॉप लेमन का एसेंस मिलाना है, दोनों में से एक चीज़, और उसे पानी में मिला के उस पानी को उन झूठे बर्तनों पर डाल देना है, ठीक है। ये नंबर वन। अगर किसी के पास बॉक्स नहीं है या कोई बॉक्स में नहीं रखना चाहता, क्योंकि सी आजकल लोग वास्तु करना चाहते हैं कैसा कि हम कुछ तोड़े नहीं, हम कुछ हिलाए नहीं, हम कुछ चेंज ना करें, तो दिस अरोमा वास्तु गिव यू अ 100% रिजल्ट इफ़ यू यूज़ ऑन अ पर्टिकुलर टाइम एंड अ पर्टिकुलर प्लेस। सो अगर आप किसी कंटेनर में या बॉक्स में अपने झूठे बर्तन रखना चाहते हैं, पर कंडीशन दैट झूठा बर्तन हैज़ टू बी क्लीन विद प्लेन वाटर, मतलब आपने खाना खाया पानी से धो दो, है ना, आप सिंक में रखो और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दो सफ़ेद रंग का, तो उससे क्या होगा, जो नेगेटिविटी है वो वहीं रुक जाएगी। जब आप उन्हें सबको पानी से धो के रखोगे, उसके ऊपर जो मैंने आपको अभी बताया लेमन का एसेंस, एक लीटर पानी में कम से कम 5 बूंदे लेके उन बर्तनों के ऊपर डाल दो, या अगर आपके पास नींबू है तो उस नींबू का 4-5 नींबू का रस उस एक लीटर पानी में मिक्स कर दो, और फिर वो पानी सारा उन झूठे बर्तनों पर डालो और उसे सफ़ेद कपड़े से ढक दो, तो जो झूठे बर्तनों की नेगेटिविटी है वो वहीं सिंक में रहेगी, बाहर नहीं आएगी। और जब आपकी सुबह मेड आए तब आप वो कपड़ा हटाओ एंड देन। तो दिस इज़ द अरोमा वास्तु, दिस इज़ द यूसेज ऑफ अरोमा वास्तु। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, यूज शुरू हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता, दे डोंट नो। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, बहुत सारे लोग जब मॉपिंग कराते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, उसका वास्तु में एक रेशियो होता है। अगर आप एक लीटर 5 लीटर पानी में कम से कम 0.5 किलो सेंधा नमक डालेंगे तभी आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। जो लोग सोचते हैं कि हमने आधी बाल्टी पानी डाला उसमें 1/4 चम्मच डाल दिया, उससे कुछ नहीं होता, इट इज़ जस्ट अ योर माइंड स्टेटस कि आपने इतना से डाला वो नहीं क्लीन हो गया और उससे आप पूरा घर क्लीन करा रहे हैं। नो, देयर हैज़ टू बी सम क्वांटिटी। अगर आपको आधी बाल्टी पानी में सेंधा नमक डालना है तो ये एक मुट्ठी भर के डालना है। दिस इज़ द वे कि आप रूम के लिए आपने एक मुट्ठी भरा, ड्राइंग रूम के लिए अलग लिया, किचन के लिए अलग लिया, स्टेयर्स के लिए अलग लिया, टॉयलेट्स के पोछे भी कभी भी, बहुत लोगों को पता नहीं है वो क्या करते हैं, जब टॉयलेट में उनकी मेड पोछा मारती है तो वही पोछा पानी में धोया और फिर उसे कमरे में मार दिया। नो, इससे क्या हुआ, जो टॉयलेट की नेगेटिविटी आपके कमरे में तो फैल रही है ना, ऐसी जो स्टेयर्स की नेगेटिविटी होती है, जब आप स्टेयर्स में पोछा मारते हैं वही पोछा आप घर के अंदर मारते हैं पानी से धो के, पोछा तो वही है ना। तो प्लीज़ टेक केयर दी स्मॉल टिप्स ऑफ वास्तु वाइल क्लीनिंग द हाउस एंड फॉर द यूटेंसिल्स दैट यू आर कीपिंग इन योर किचन एट नाइट। थैंक यू। आई गेस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप मेरी सारी वीडियोस पूरी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। दीज आर रियली अ वेरी यूजफुल टिप्स विद 100% रिजल्ट। थैंक यू सो मच, दिस इज नीलम अग्रवाल।